नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मंच में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानविंदर रावत और आज दिनांक 18 तारीख का राशिफल लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। क्या कहती है आपकी आज की ग्रह गति, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तृत जानकारी दूंगा आपको। दोस्तों, सबसे पहले यदि आज हम मेष राशि की बात करें तो चंद्रमा और मंगल और शुक्र तीनों ही छठे भाव में हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन तो नहीं बना रहे हैं। लग्नेश मंगल छठे भाव में बीमारी लेकर के आएंगे, पुलिस केस मुकदमा लेके आएंगे। दिवाली का त्यौहार है, बहुत बड़ा महापर्व हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंदर ये धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ध्यान से चलें, गलत कामों से बचें और यहाँ पर जलने कटने का एक योग आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है, इसलिए पटाखे वगैरह भी ज़्यादा ना जलाएं और इनसे आपको बच के शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाना चाहिए। दोस्तों, यदि मैं वृष राशि की बात करूं तो आज चंद्रमा का विचरण आपकी बुद्धि के ऊपर है, आपके संतान भाव के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए संतान को लेकर के, बच्चों को लेकर के। और यहाँ पर कोई भी बड़ा डिसीजन अभी आपको नहीं करना है, रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके डिसीजन हैं वो आपके लिए गलत रहेंगे और आपको अहित भी होगा आपके शुभ चिंतकों से। इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ में काम करना है। केंद्र में कोई शुभ प्रभाव नहीं है, अकेला शनि बैठा हुआ है, उथल पुथल बनी हुई है, कालसर्प योग बना हुआ है इस समय गोचर के अंदर। कहने का ये मतलब है कि ग्रहों की जो चाल है वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है, आपको भी बहुत ध्यान से यहाँ पर रहना चाहिए। मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो इस राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए आपकी राशि का स्वामी बुध वो सूर्य से पीड़ित हो रखा है और सूर्य भी नीच के हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर बुध भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, हाई थॉट्स हाई थिंकिंग सब खत्म हो जाएंगे, डिसीजन बहुत गलत होने लगेंगे और यहाँ पर गुरु भी अस्त हो रखा है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर शुक्र भी नीच का है, आपके मन के ऊपर बैठा है चंद्रमा के साथ में, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपको बाधा टेंशन तनाव रहेगा। इसलिए आप प्लीज़ बहुत ध्यान से इस पर्व को मनाइए और ज़्यादा किसी से मत उलझिएगा। कालसर्प योग आज पूरी तरीके से आपको परेशान भी करेगा और मांगलिक योग भी अभी जो बच्चे सुबह मॉर्निंग में होंगे उनकी कुंडली में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कर्क राशि के दर्शकों के लिए लगन के अंदर राहु, लग्नेश चंद्रमा पराक्रम के अंदर, तो पराक्रम में वृद्धि करेगा पर यहाँ पर गलत दिशा के अंदर करेगा। कहने का ये मतलब है कि जल्दबाजी के अंदर हार्ड एंड फास्ट आप कोई डिसीजन कर लेंगे जिसके कारण आप बाद में परेशान हो जाएंगे, आपको यहाँ बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों का भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा, प्यार उनका मिलेगा पर यहाँ पर वो भी मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर तो नहीं है। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जितना हो सके आप इस पर्व को और आगे आने वाले दो चार जो त्यौहार हमारे बहुत ज़्यादा पूजनीय होते हैं जिनकी हम बहुत विधिवत तरीके से मनाते हैं, उनको इन सब में आपको बहुत पोलाइटली और विनम्रता आपको इन सभी त्यौहार के अंदर दिखानी है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं सिंह राशि की तो सिंह राशि के लिए जो लग्नेश है वो नीच के हो गए हैं, आपके थॉट्स के अंदर नीचता आ जाएगी, आपके काम में नीचता आ जाएगी, आप लड़ने झगड़ने वाले हो जाएंगे, लोगों के साथ जल्दी इरिटेटिंग स्वभाव आपका देखने को मिलेगा, आपकी वाणी पर भी यहाँ पर नीच के शुक्र और मंगल बैठे हैं, गाली गलौज करने पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करने पर आप बहुत जल्दी उतारू हो जाएंगे। केंद्र में अकेला शनि बैठा है, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गया है, अशुभ योग एक केंद्र के अंदर बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि सिंह राशि वालों के लिए भी आज की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। दोस्तों, यदि अब मैं बात करूँ कन्या राशि की तो कन्या राशि के जो हमारे प्यारे दर्शक हैं इनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति अच्छी होगी, पर स्थिति सिर्फ आपके स्वयं के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके काम कारोबार के लिए रहेगी, पर व्यापारियों को फिर भी बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, प्यार से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। दोस्तों, यदि अब मैं बात करूँ तुला राशि की तो तुला राशि वालों के लिए जो चंद्रमा का जो भ्रमण है वो 12वें भाव में चला जाएगा और 12वें भाव में जाने के कारण यहाँ पर चंद्रमा जो है आपके खर्चों की जो स्थिति है उसको बढ़ा देंगे। यहाँ पर आप जो अवैध संबंध होते हैं उस प्रकार की मानसिकता आपकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी नीच के होकर के 12वें भाव में है, तो पर स्त्री पर पुरुष से आपको नुकसान होगा, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जिनके, या फिर जिनके
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नेत्रहानि, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आंखों का कारक होकर के, और सूर्य भी आंखों का कारक होकर के, सूर्य नीच का है और चंद्रमा बारहवें भाव में बैठा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आंखों की रोशनी के अंदर भी आपको कोई दृष्टि के अंदर रोग यहाँ पर लगने का एक योग बन रहा है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का जो दिन है वह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा ग्यारहवें भाव में चले जाएंगे और ग्यारहवें भाव के अंदर जो हमारी लाभ की स्थिति होती है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। यहाँ पर यह बहुत का तो होता है, यहाँ पर आपको अचानक एकदम लाभ तो मिलेगा पर बहुत भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हवाई यात्राएँ आप हो सके तो आज थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि शुक्र घूमने फिरने का कारक होता है, घूमने फिरने का मन भी करेगा, पर यहाँ पर नीच का शुक्र है चंद्रमा के साथ और मंगल के साथ, तो चंद्रमा यहाँ अकेला पड़ जाएगा और मंगल शुक्र का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण आज आपको यात्राओं से भी तनाव रहेगा और लाभ की स्थिति में भी कमी आएगी। दोस्तों, केंद्र में खाली अकेला शनि लग्न के अंदर बैठा हुआ है और ये भी आपके कहीं ना कहीं पराक्रम को ढीला करेगा, दशम दृष्टि से आपके कर्म को मजबूत नहीं होने देगा। अब मैं बात करूँ धनु राशि की, तो इस राशि के जो दर्शक हैं उनकी कुंडली के अंदर लग्नेश जो है गुरु वो सूर्य के साथ में बैठा हुआ है और वह भी नीच का होकर के बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गुरु ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध नहीं हो पाएगा, पर हाँ इतना है कि इतना ज़्यादा डेंजरस प्रतीत नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी, मान सम्मान आपका निश्चित तौर पर यहाँ पर बढ़ जाएगा, आपको ऊँचाइयाँ मिलेंगी व्यवसाय के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा बेटर आज का दिन रहेगा। मकर राशि के दर्शकों, आपके लिए आज मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको आपकी जो राशि का स्वामी शनि है वो अपने ही घर को देख रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक अच्छा साइन आपके लिए जरूर दिख रहा है और भाग्य के अंदर पिता के साथ आज आपको बहुत सामान्य स्थिति बना के चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि के। कुंभ राशि के दर्शकों के लिए जो ग्रहों की चाल है इसमें चंद्रमा का भ्रमण वह चला जाएगा अष्टम भाव में, यानी कि अशुभ समाचार, स्वास्थ्य में हानि और यहाँ पर एक मृत्यु तुल कष्ट भी कुंडली के अंदर 6-8-12 में दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से रहना है और जितना हो सके आप शांति और सिर्फ शांति, कहने का ये मतलब है कि अगर आपका क्रोधी स्वभाव भी है तब भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मन का स्वामी होकर शुक्र नीच हो गया, आपके भाग्य का स्वामी होकर के शुक्र नीच हो गया और अष्टम भाव पर हो गया और चंद्रमा के साथ में बैठा है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर योग आज नहीं बना रहा है। मीन राशि वालों के लिए इस राशि के स्वामी की जो स्थिति है वो अपनी खुद राशि से अष्टम भाव में चली गई है, कहने का ये मतलब है कि 6-8-12 में अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, सप्तम भाव भी पीड़ित हो रहा है, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में भी तनाव देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना और जो चीज़ें मैंने आपको बोली है इनका विशेष तौर पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि ज़्यादातर राशियों के ऊपर कालसर्प योग का एक प्रभाव कुंडली के अंदर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पर केंद्र खाली पड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर अब क्या करना है, एक कालसर्प योग की पूजा करानी है, नीले काले और हो सके तो लाल कपड़े आज आप अवॉइड करें, हरा वस्त्र ज़्यादा पहने, वाइट ज़्यादा पहने और यहाँ पर भैरव देव की आप पूजा करें और ओम राम राहवे नमः मंत्र का आपको जापाच करना चाहिए। इस जाप को करने से इस कालसर्प योग के नेगेटिव प्रभाव से भी आप बाहर निकल पाएंगे और आपको निश्चित तौर पर लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।